मार्केट कैप मतलब क्या होता है ये आज डिटेल में देखेंगे। उससे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। TCS का जो मार्केट कैप है वो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट का जो पूरा मार्केट कैप है उससे ज़्यादा है। इसका मतलब तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन कंपनी की जो शेयर प्राइस है और कंपनी का जो मार्केट कैप है इनमें क्या कोरिलेशन रहता है? तो सिंपल बात है, अगर कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ती है तो उसके साथ साथ कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी उसी स्पीड से बढ़ता है। तो ये सिंपल चीज़ है, अगर कंपनी की शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो मार्केट कैप भी बढ़ेगा, अगर शेयर की प्राइस कम हो रही है तो कंपनी का मार्केट कैप भी है वो भी कम होता हुआ हमें नज़र आएगा। इसके साथ साथ बहुत बार हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप है, कौन सी कंपनी स्मॉल कैप है। तो इसका सिंपल कैलकुलेशन ऐसे किया जाता है कि सारे जो कंपनीज हैं हमारे स्टॉक में लिस्टेड जो है उनका रैंक किया जाता है मार्केट कैप के हिसाब से, मतलब सबसे बड़ी से लेकर सबसे छोटी। तो पहली जो 100 कंपनीज है, जो 100 कंपनीज है, उनको कहा जाता है लार्ज कैप। यानी कि मार्केट कैप के हिसाब से पहली जो सबसे बड़ी कंपनीज है 100 कंपनीज, उनको कहा जाता है लार्ज कैप। उसके बाद 101 से लेके 250, यानी कि 101 से लेके 250 तक जो कंपनीज है उनको कहा जाता है मिड कैप। और 250 के बाद जो भी कंपनीज बचती है उन सभी को कहा जाता है स्मॉल कैप। तो ये सिंपल बाइफर्केशन है मार्केट कैप के हिसाब से, इसी की तरह से कैलकुलेट किया जाता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ये बात समझ में। अभी हम देखते हैं कि किसी कंपनी की शेयर प्राइस ज़्यादा होना इसका मतलब वो लार्ज कैप होता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत बार लोग जो है ये मिसकंसेप्शन लोगों को रहता है कि किसी भी कंपनी का अगर स्टॉक प्राइस ज़्यादा है इसका मतलब वो कंपनी लार्ज कैप है। सबसे जो फेमस एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ वो है MRF का। MRF की शेयर की अगर हम प्राइस देखें तो वो लगभग 1.5 लाख के आसपास है। मतलब अभी मार्केट गिरा है तो वो हो सकता है कि 1,40,000 के आसपास कुछ तो हो, लेकिन जनरली 1.5 लाख के आसपास स्टॉक की प्राइस रहती है। तो ये जो कंपनी है ये बहुत लोगों को स्टॉक प्राइस देख के ऐसा लगता है कि ये लार्ज कैप है या फिर ब्लू चिप है, लेकिन ऐसा नहीं है। MRF जो है ये एक मिड कैप कंपनी है, क्योंकि MRF का जो मार्केट कैप है वो 60,000 करोड़ का है। उसी से अगर हम कंपेयर करें SBI को तो SBI का जो स्टॉक प्राइस है वो है 650 के आसपास, लेकिन SBI का जो मार्केट कैप है वो 6,00,000 करोड़ का है। यानी कि SBI की जो स्टॉक की प्राइस है वो बहुत कम है कंपेयर टू MRF, लेकिन SBI का जो मार्केट कैप है वो MRF से 10 गुना ज़्यादा है। तो ये बात समझ लो कि स्टॉक प्राइस ज़्यादा होना इसका मतलब वो कंपनी लार्ज कैप है ऐसा नहीं होता, और सिमिलरली स्टॉक प्राइस कम होना इसका मतलब वो स्मॉल कैप है या फिर मिड कैप है ऐसा नहीं होता। आपको जाके देखना पड़ेगा कि उस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो कितना है। आपको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो भी ऐप्स है मनी कंट्रोल हो गया, ET हो गया, यहाँ पे इजीली आपको सारे कंपनीज को जो मार्केट कैप है वो इजीली आपको अवेलेबल है। लेकिन सिर्फ स्टॉक की प्राइस देख के कभी भी जज मत करना कि ये कंपनी स्मॉल कैप है या फिर ये कंपनी लार्ज कैप है, उससे आप जो है गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे हमने देखा MRF आपको लग सकता है कि लार्ज कैप है तो इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है तो इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। या फिर आप SBI को अवॉइड कर सकते हो सोच के कि ये हो सकता है कि शायद ये मिड कैप है। SBI को जनरली लोग अवॉइड नहीं करते क्योंकि ये Nifty 50 का स्टॉक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। लेकिन बाकी हो सकता है कोई ऐसे स्टॉक हो कि जिनका स्टॉक प्राइस कम होने की वजह से आप उनको स्मॉल कैप या फिर मिड कैप समझ सकते हो, और आप गलत एलोकेशन जो है आपके पोर्टफोलियो में उन स्टॉक्स को दे सकते हो। तो ऐसी गलती मत कीजिए। मार्केट कैप सिर्फ स्टॉक प्राइस मत देखिए, इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का जो मार्केट कैप वो भी आप ज़रूर देखिए। आपके अगर कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, हम आने वाले वीडियोज़ में आपके डाउट्स क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। वीडियो आखिर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।